हाय गाइस, मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी मैं हूँ बुलंदशहर के भूड़ चौराहे पे। तो मैं अभी आई हूँ यहाँ पे कांजी के बड़े खाने के लिए। तो भैया से मैं 2 प्लेट कांजी के बड़े लगवाने वाली हूँ। भैया बढ़िया सी चटनी डाल के पानी देना, एकदम बढ़िया सा। और भैया से बात भी कर लेते हैं कैसे बनते हैं कांजी के बड़े। पूछ तो ले यार, आए इतनी दूर। भैया ये जो कांजी के बड़े हैं कैसे बनते हैं बता सकते हो आप? ये मैं मूंग की दाल के कांजी के बड़े होते हैं। मूंग की दाल के कांजी के बड़े जी, मूंग की दाल के होते हैं। पानी हींगर रहे का पानी होता है, पेट के लिए काफी बेहतर होता, अच्छा होता। अच्छा, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो नुकसान करे? कोई ऐसी चीज नहीं है, प्याज वगैरह लहसुन वगैरह का कोई यूज नहीं होता इसके अंदर। अच्छा, तो भैया ये ठेला कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हो आप? सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक। सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक लगाते हो? 12 घंटे। और खत्म होता नहीं है माल? खत्म हो जाता है लेकिन स्टॉक रखते हैं हम, जैसे कि अभी ये माल है हमारा। हाँ। अभी हमने ये फ्रेश माल फिरो के भी रख रखा है। अच्छा, अंदर नीचे रख रखा है। ये देखिए, ये हम घर से बना के कच्चा लेके आते हैं माल। अच्छा अच्छा अच्छा, 20 किलो का माल। ये अभी थोड़ी गांठ है इसके अंदर। हाँ हाँ। ये 2 घंटे में फूल जाता है, 2-2.5 घंटे पानी में अगर डालोगे आप? जी पानी में डालोगे, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका नंबर है। और यहाँ पे कितने टाइम से लगा रहे हो आप? मैम मेरे को समथिंग होगी 2-2.5 साल होगी। ओके, और आसपास भैया सारे कांजी के बड़े ही वाले हैं यहाँ पे, इसका क्या चक्कर है? मैम ये बुलंदशहर के फेमस हो चुके हैं कांजी के बड़े। और ये यहाँ पे कंपटीशन बड़ा रहता होगा भैया, इतने सारे लगे हुए हैं, सारे कस्टमर किसके पास जाए क्या जाए? मैम तो टेस्ट के अनुसार होता है, कस्टमर को जिसका टेस्ट अच्छा लगता है उसके पास कस्टमर परमानेंट गारंटी कस्टमर बने हुए रहते हैं। और ये भैया क्या डाला है आपने? ये मैम ये मैंने व्हाइट नमक डाला है। और ये वाला? ये मिर्च डाली हल्की सी स्पाइसी चटनी के लिए। और ये चटनी है, ये किस चीज से बनती है? ये ग्रीन चटनी होती है मैम, पालक की होती है, मसाले वगैरह घर के खुद के मसाले होते हैं उसमें डले हुए। और ये होता है मैम हींग राई का पानी। इसमें गाजर का चार भी बनता है ना भैया? जी वो सर्दी में गिरता है, थोड़ा सर्दी आ जाएगी जब होगा। आप एक बार टेस्ट करोगे तो आप भी बताओ क्या अच्छा है। ये पानी थोड़ा सा मसाला होगा, ये जीरा पाउडर का पिसा हुआ। आप घर पीसते हो? जी जी, घर सारे मसाले आपके ही होते हैं? जी जी, घर के होते हैं। और ये डेली बेसिस पे बनाते हो? फ्रेश माल होता है एकदम? डेली मैम आपके सामने दिखाया मैंने अभी, ये सब बना के लाते हो घर से? फ्रेश बना होता है। अच्छा भैया, ऐसे फ्रीज वगैरह में रखने की जरूरत नहीं होती? नहीं नहीं, फ्रीज की रखने की जरूरत नहीं। पानी तो आप ऐसा अगर 2 दिन भी आप पानी चलाओगे तब भी आपके लिए पानी बहुत फायदेमंद होगा। और पानी पानी अच्छा, ये हींग होती है? ये हींग होती है। और भैया ताजे पानी की जरूरत पड़े क्योंकि बनाना पड़े, हमारा पानी खत्म हो जाता है। हाँ। तो पीछे समन लग रहा है, समन से लाते पानी ये नर्सरी में समन लग रहा होगा तो यहाँ से ले लेते हो आप? बिल्कुल, फ्रेश पानी बनाते हैं हमारा डेली का, कम से कम भी 2-3 मटके पानी लग जाता है क्योंकि पानी पीते हैं ना बाद में। पानी तो पानी ही तो वो होता है मेन। थैंक यू भैया। तो मेरे कांजी के बड़े आ चुके हैं, देख सकते हो आप, एकदम फुल बड़ा गिलास भर के पानी भी है बढ़िया। पानी पी के बताते हैं कैसा है। भाई कतई जहर है पानी, इतना चटपटा है घर में, मजा आ गया। और अब मैं ये खा के बताती हूँ आपको। फ्लफी, कोई गांठ नहीं है, टाइट नहीं है, कुछ नहीं है, इतने मजेदार है ना, इतने मजेदार है क्या बताऊं। भैया ये लोकेशन बताओ आप, क्या है ये लोकेशन? पड़ते मैम आप अंदर से दिल्ली वाले रोड से आओगे तो भूड़ चौराहे का एड्रेस पड़ता है, और महाउन नर्सरी है पीछे, महाउन नर्सरी के जस्ट आगे लगा, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे वो मेरा महाउन नर्सरी का नाम। तो अगर आपको ये बढ़िया टेस्टी कांजी के बड़े टेस्ट करने हैं और ये चटपटा पानी पीना है तो यहाँ आना पड़ेगा, भैया के पास आके आपको कांजी का बड़ा खाना पड़ेगा। भैया से थोड़ी रेसिपी वगैरह जान लेते हैं किस तरीके से बनते हैं। तो भैया ये जो बड़े बनते हैं और पानी बनता है किस तरीके से बनता है, मुझे बताइए थोड़ा सा। मैम पानी बनता है, दाल बड़े बनते हैं मूंग की दाल के, और मूंग की दाल आपको कम से कम 2 घंटे भिगोनी पड़ती है पानी के अंदर। सबसे बेस्ट तरीका नाइट में फिलोइए और मॉर्निंग में फूल के काफी बेहतर हो जाएगी दाल, तो सुबह उसको पेस्ट बना देगा।
जैसे आटा गूंथते हैं थोड़ा हल्का हल्के हाथ उस तरीके से करने के बाद में पकौड़े की तरह उतारनी है। तो कितने बजे करते हो आप सुबह उठ के? 7 बजे तो आ जाते हो आप? 7 बजे आ जाते हैं, 5 बजे से लगते हैं। 5 बजे से लगते हैं, समथिंग आधे एक घंटे करेंगे। तो घर में कोई हेल्प भी करता है? घर में मेरे पापा हेल्प करते हैं, मम्मी भी करते थे, कोई कर देते थे। उसके बाद बनाने के बाद पकौड़े की तरह डालते हैं। पकौड़े की तरह उतारने के बाद सरसों के तेल में बनाओगे तो थोड़े क्रंची आएंगे, और रिफाइंड बनाओगे तो गोल्डन कलर सरसों के तेल में बनाते सरसों के तेल में बनाते हैं। कुछ नहीं होता वो शरीर के लिए। और बेस्ट होगा उसके बाद बनाने के बाद जो क्रंची उतरेंगे करने के, अगर आप गर्म पानी उतार के जस्ट पानी में डाल दोगे तो जल्दी फूल जाएंगे, समथिंग आधे घंटे फूल जाएंगे आपको। और ठंडे होने के बाद डालोगे तो आप 1 से 1 घंटा लग जाएगा, 1 से ज़्यादा 15-20। इसके बाद रेडी होने के बाद हम लाते हैं यहाँ पर, लाने के बाद हम पानी बनाते हैं, राई का पानी यही बनाते हैं। पानी पानी तो और पानी बिल्कुल समर का सादा पानी ही होता है, बिल्कुल सादा पानी होता है, समर का फ्रेश पानी ला के डालते हैं। कोई फ्रीज में रखने की कुछ जरूरत नहीं, पानी ठंडे की जरूरत नहीं, मटके में ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिकली मटके का यही फायदा है, फैसिलिटी है मटके की, तो ठंडा पानी से हो जाएगा। राई डलती है, मसाले डलते हैं, गर्म मसाले हींग, और राई को 1.5-2 दिन रखना पड़ता है ताकि खट्टा पानी हो जाए। बहुत से लोग साटरी का पानी भी बनाते, इसी में ही साटरी का पानी भी बनता है। भैया दिल्ली से आए हैं और मतलब भैया के यहाँ का टेस्ट उन्हें इतना पसंद है कि यहीं आके रुके हैं, बल्कि पूरी रोम में इतने सारे कांजी के बड़े वाले, लेकिन भैया यहीं आके रुके हैं। तो भैया बताओ मैडम, हम जब भी आते हैं इस रोड में, जब भी भाई के पास ही रुकते हैं और किसी के पास नहीं रुकते। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आते आते? मेरा चक्कर लगता रहता है, यहीं आते हो आप? यहीं रुकता हूँ और कहीं नहीं, हर बार यहीं। कितना कोई आइडिया है कितने साल से जुड़ा हुआ भैया के साथ? कितने महीने से? साल भर से ज्यादा हो गया, मैं कल भी आया था। कल भी आए थे तो देख सकते हो गाइज, अगर आपको यहाँ के ये टेस्टी कांजी के बड़े खाने तो यहाँ तो आपको आना ही पड़ेगा। भैया की फैन फॉलोइंग देख रहे हो, दिल्ली से लोग यहाँ कांजी का बड़ा खाने के लिए आ रहे हैं, तो आप तो बुलंदशहर में ही हो, आ जाओ यार। कांजी के बड़े खा के बहुत मजा आया, और थैंक यू सो मच भैया हमें इतना कोऑपरेट करने के लिए। तो बाय बाय भैया।